लखनऊ में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ के लाइफलाइन कहे जाने वाले लोहिया पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। पुल के हिस्से के गिरने से उसमें करीब 4 मीटर लंबा गड्ढा बन गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ से कोई गुजर नहीं रहा था। दरअसल पुल के नीचे गोमती किनारे सिंचाई विभाग रिवर फ्रंट बना रहा है। यहाँ काम कर रहे अफसरों ने बगैर सोचे समझे पुल के नीचे की मिट्टी को काटना शुरू कर दिया, जिससे एक हिस्सा नीचे गिर गया। फिलहाल इस पुल को बंद कर दिया गया है। घटना से अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसके लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। पिचिंग को काटा, जब आपने मिट्टी निकाली तो मिट्टी बैठती गई और वो जो भी अप्रोच में हम लोग मिट्टी भर के ही बनाते हैं अप्रोच, और फिर सैंड भरती है तब होती है, तो वो दरक गया है सेटलमेंट से मिट्टी के। अब क्या हो गया, मिट्टी हट गई इस वजह से। अब रिपेयर कैसे हुआ, दोबारा ये दोबारा उस लेवल तक ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे और क्या, वहाँ मिट्टी फिर से भरी जाएगी और पिचिंग की जाए। गलती है ये, यहाँ तो इरिगेशन काम करा रहा ना ये। हाँ तो इरिगेशन ही काम करा रहा है। लखनऊ में आज इरिगेशन विभाग के निकम्मेपन से और उनकी लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। जिस पुल के नीचे हम लोग खड़े हुए हैं, ये लखनऊ की लाइफलाइन कहा जाता है, ये लोहिया पथ के नीचे का हिस्सा है, जिसका ऊपरी हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ठीक दाहिनी तरफ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये दाहिनी तरफ देखिए कि सड़क का बहुत सा हिस्सा नीचे बालू में गिर गया है, ये ऊपर से गिरा है। तकरीबन 3 से 4 मीटर का गड्ढा हो गया है और वो बिल्कुल सड़क पोली हो गई है, यानी ऊपर से अगर कोई नीचे देखेगा तो नीचे गिर पड़ेगा। वहाँ पर उसको पटरे से फिलहाल रखा गया है। जो कहानी इसके पीछे है वो ये है कि इस वक्त गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट बन रहा है, जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट बनवा रहा है, और ये जो सारी मिट्टी आप देख रहे हैं, ये सारी मिट्टी ऊपर पुल तक लगी हुई थी, यानी जो पुल है उसकी पिचिंग इस मिट्टी से ही हुई थी। लेकिन इरिगेशन विभाग ने क्या किया, उनके ठेकेदारों ने इस मिट्टी को काटना शुरू कर दिया, और जब मिट्टी कट के बिल्कुल आधी रह गई और वहाँ से उसने उस पुल को छोड़ दिया, उससे नीचे आ गई, तो फिर वो अचानक पुल का हिस्सा नीचे आ गया। गनीमत इस बात की रही कि उस वक्त उधर से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना वो सीधे ऊपर से नीचे आ जाता और एक बड़ा हादसा हो जाता। बहरहाल इसमें अब लिखा पढ़ी हो रही है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो ठेकेदार लगाया है उसने कैसे पिचिंग की गई मिट्टी को, पुल के नीचे पिचिंग की गई मिट्टी को ही काट दिया। क्या वो इतना भी नहीं जानता था कि पिचिंग की गई मिट्टी को नीचे काट देने से पुल नीचे आ जाएगा, पुल का हिस्सा नीचे आ जाएगा। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के 3 हाईकोर्ट, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम बदलने की मंजूरी दे दी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट को कोलकाता, मद्रास हाईकोर्ट को चेन्नई हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को मुंबई हाईकोर्ट कहा जाएगा। इन तीनों महानगरों के नाम कई साल पहले बदल दिए गए थे, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट्स के नाम इनके पुराने नाम पर ही थे। आपको बता दें कि बॉम्बे का नाम 1995 में मुंबई, मद्रास का 1996 में चेन्नई और कलकत्ता का 2001 में कोलकाता कर दिया गया था। ये सारे नाम स्थानीय भाषा के हिसाब से बदले गए थे। मुंबई बॉम्बे मुंबई हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया। इन तीनों के हाईकोर्ट अभी मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट थे। तो आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि अब बॉम्बे हाईकोर्ट वुड बी नोन एज मुंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट वुड बी नोन एज चेन्नई हाईकोर्ट एंड कलकत्ता हाईकोर्ट वुड बी नोन एज कोलकाता हाईकोर्ट। इसके अलावा कैबिनेट ने कई और फैसले लिए। देश में दालों की कमी को देखते हुए अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से तुअर दाल के आयात को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने किसानों को शॉर्ट लोन देने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा एक्सिस बैंक में FDI 64% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। इस मंजूरी से 13,000 करोड़ रुपए आने का रास्ता साफ हो गया। फिलहाल निजी बैंक में विदेशी निवेश की सीमा 74% है, जिसमें FIIs की सीमा 49% है। इसके अलावा कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिल्ली में सरकारी घर बनाने की मंजूरी दी है। 32,835 करोड़ की लागत से ये घर सरोजनी नगर, नरोजी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी, कस्तूरबा नगर और मोहम्मदपुर में बनाए जाएंगे। किसानों को जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन मिलता है उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है।
This is applicable for all the farmers. Number one. Dusra, ye short term loan hai ek saal ke liye. 3 lakh rupaye. मौलाना कल्बे सादिक ने रमजान के शुरू होते ही कह दिया था कि ईद 7 जुलाई को मनाई जाएगी. वहीं जद्दा में ईद 6 जुलाई को मनाई जा रही है और अभी तक के रिवाज के मुताबिक भारत में जद्दा के एक दिन बाद ईद मनाई जाती है. ऐसे में ईद भारत में 7 जुलाई को मनाई जाएगी. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां मुस्लिम धर्म को मानने वाले चांद के दीदार को आसमान की राह देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बादल हटे तो उन्हें चांद के दीदार हो जाएं. चांद का दीदार करने के साथ ही लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां देने की शुरुआत कर देते हैं. बाजार अचानक रौनक से भरपूर हो जाते हैं, लोग खरीदारी करने निकल पड़ते हैं. अब जाहिर सी बात है कि आज अगर ये चांद नहीं दिखता है तो फिर ईद का त्यौहार एक दिन बाद यानी 7 जुलाई को होगा और ऐसी सूरत में जो लोग आज खरीदारी करना चाहेंगे वो आज करेंगे, वरना कल उनके लिए तसल्ली का दिन होगा जब वो पूरा दिन अपना उन्हीं बाजारों में निकालेंगे ताकि 7 तारीख को धूमधाम से वो ईद मना सकें. और जो एक रिवाज सा बन गया है, चूंकि धरती गोल है लिहाजा कहीं चांद आज दिखा तो कहीं कल दिखेगा, इस लिहाज से जो जेद्दा जगह है वहां पर 6 जुलाई को ईद मनाई जा रही है, यानी वहां पर चांद दिख गया है. और अगर वहां पर चांद दिखा है तो इस जगह पर यानी हिंदुस्तान में यह मान लिया जाए या तो चांद दिख जाए, अब अगर नहीं दिखा है तो यह मान लिया जाएगा कि कल तो चांद निकलेगा ही, और जब कल चांद निकलेगा तो ईद परसों होगी. तो इस लिहाज से ये अभी तक का अपडेट है. जो लोग ईद का इंतजार कर रहे थे, और ये कश्मकश रहती है करीबन हर साल, ये देखने को मिलता है कि इस समय जिसको हिंदू धर्म में गोधूली की बेला कहा जाता है उस समय पर बहुत सारे मुस्लिम धर्म को मानने वाले चांद के दीदार को आसमान ताकते हैं. ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ पे चूंकि आज बादल बहुत हैं और मतला अबरालूद है, तो लेकिन उसके बावजूद भी चांद ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. इसीलिए बात कही गई कि अगर चांद दिख जाता है या कहीं से भी चांद की शहादतें मौसूल हो जाती हैं तो फिर ईद उल फित्र का त्यौहार 6 जुलाई को मनाया जाएगा, और अगर चांद नहीं दिखता है तो ईद उल फित्र का त्यौहार 7 जुलाई को होगा. लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन जो है वो 8:30 बजे तक लिया जाएगा. यानी सऊदी अरब में और हिंदुस्तान में अमूमन 1 और 2 दिन का फर्क रहता है, और जो कि सऊदी अरब में कल ईद है इससे बुनियाद पर लोग ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे ईद परसों हो सकती है. लेकिन बहरहाल जैसा हमने कहा कि इसका कोई भी फाइनल फैसला 8:30 बजे तक लिया जाएगा. तो आप सुन रहे थे मौलाना राशिद फिरंगी महली को, जो लखनऊ से इस बात का ऐलान कर रहे थे कि अभी उम्मीद बनाए रखिए, 7:10 हो रहे हैं और अगर 8:30 बजे तक चांद के दीदार हो गए तो समझिए कि ईद कल है. और लखनऊ में तो उसके बाद जो माहौल होता है, मतलब अगर 8:30 बजे भी मौलाना साहब कह देंगे कि हाँ चांद दिख गया और ईद कल है, तो आप यकीन मानिए कि सारी रात लखनऊ के उस अमीनाबाद, मतलब पुराना जितना भी लखनऊ है, चौक, मौलवीगंज, इन सब जगहों पर रात भर दुकानें खुली रहेंगी और जमकर खरीदारी होगी. अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. अमिता, मेरे ख्याल से शायद अभी लोगों की उम्मीद टूटी नहीं है कि ईद कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है. इस लिहाज से जो दुकानदार हैं और खासतौर पर जो ईद की शाम, मतलब
की रौनक हो जाती है वो मेरे ख्याल से लखनऊ के गलियों में आपको, सड़कों पर आपको देखने के लिए मिल रही होगी। बिल्कुल शेखर, देखिए लखनऊ की अगर हम बात करें तो ईद की यहाँ रौनक अलग ही नजर आती है। खासतौर से जिस तरह से रमजान के पाक महीने में लोग रोजा रखते हैं, इफ्तार करते हैं, शाम को उसकी भी दावतें होती रहती हैं, लेकिन ईद का के आने की जो खुशी है वो खासतौर से सबके चेहरों पर नजर आती है। आज जिस तरह से मरकजी चांद कमेटी की तरफ से चांद देखने का कार्यक्रम रखा गया है, लखनऊ में बादल बहुत छाए हुए हैं और यही वजह है कि चांद नजर नहीं आ रहा है। मौलाना खालिद रशीद ने जिस तरह से कहा 8:30 बजे तक का इंतजार अभी किया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ चांद नहीं दिखता है शेखर तो और जगहों से भी तस्दीक करते हैं मौलाना अपनी तरफ से, और अगर तस्दीक कहीं और से भी हो जाती है तब भी ये ऐलान हो जाएगा कि कल ईद है, और अगर कहीं भी चांद नहीं दिखेगा किसी भी जगह तो फिर ये कह सकते हैं कि 7 तारीख को ईद मनाई जाएगी। लेकिन लोगों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और सभी को इंतजार है और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आज चांद नजर आ जाता है तो कल ईद मनाई जाएगी। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो हिंदुस्तान में 3-4 जगह हैं जहां पर चांद को देखने की बाकायदा कोशिश की जाती है, लखनऊ का तो दृश्य आप देख ही रहे हैं, इसी तरीके से हैदराबाद में भी अपने कुछ मौलाना होंगे जो इस समय चांद के दीदार को लगातार आसमान देख रहे होंगे, यहां दिल्ली में भी एक जगह है जहां से चांद को निहारा जाता है आसमान पर, कोशिश की जाती है। अब लखनऊ में चूंकि बादल हैं, जैसा इंडिया 24/7 पर आपको पहले भी बताया कि बादलों की वजह से दिक्कत है, अमिता मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की तबीयत है लखनऊ की, गंगा जमुनी तहजीब की वहां पर मिसाल पेश की जाती है, ऐसा लगता है कि इस बार भी ईद भले अब कल मनाई जाए या परसों मनाई जाए, लेकिन अब आज अगर चांद नहीं दिखा तो ये तय हो जाएगा कि 7 को मनाई जाएगी, इस लिहाज से जो शॉपिंग है, जो मिलनसारिता है, जो तैयारियां हैं वो तो आज शाम से शुरू हो जाएंगी। शिखर, तैयारियां तो रमजान के महीने से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें खासतौर से महिलाओं और बच्चों की जो तैयारियां हैं उसमें थोड़ा समय लगता है और लोग कई दिनों से इस समय निकालकर शॉपिंग के लिए जाते रहते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं, लेकिन जिस दिन ईद होती है उसके लिए कुछ खास तैयारियों की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से लखनऊ में अगर हम बात करें तो जो हिंदू भाई हैं वो अपने मुसलमान दोस्तों के घर जाते हैं, एक दूसरे के घर आने जाने का जो सिलसिला है, खासतौर से ईद की जो सेवैयां है वो अलग अलग तरीके से सबके घरों में बनती हैं, तो उसको चखने का जो मजा है या कहें कि जो एक दूसरे के घर जाकर जिस तरह से प्यार बढ़ता है तो वो सब लखनऊ में देखने को बहुत मिलता है, और यही वजह है कि ईद का इंतजार न सिर्फ मुसलमान भाई कर रहे हैं बल्कि हिंदुओं को भी है, क्योंकि बहुत से लोगों को एक दूसरे के घर जाने का मौका, मिलने का मौका इसी बहाने मिलता है, तो एक तरह से एक दूसरे से जोड़ने का काम भी ईद का त्यौहार हम करता है। तो जो गंगा जमुनी तहजीब हमें लखनऊ में नजर आती है उसकी कह सकते हैं कि खासतौर से जो बच्चों में क्रेज है शेखर वो बहुत ज्यादा ईद को लेकर रहता है और इंतजार सभी को है कि चांद आज ही नजर आ जाए। लेकिन जिस तरह से खुद मौलाना भी कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया के एक दिन बाद ही यहाँ पर मनाई जाती है ईद, तो ज्यादा संभावना यह है कि चांद अगर आज नहीं दिखता है तो 7 तारीख को ईद मनाई जाएगी, लेकिन उम्मीद किसी ने अभी नहीं छोड़ी है, अभी उम्मीद तो लखनऊ शहर टिका हुआ है और चांद देखने की कोशिश लगातार की जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया अमिता इन जानकारियों के लिए, इस चर्चा के लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं, जो शॉपिंग होती है वो भी अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बड़ी दिलचस्प होती है। जब महिलाएं अभी मान लीजिए जैसे कल ईद है तो आज रात में जब वो 8:30-9 बजे ऐलान हो जाएगा उसके बाद रात भर ये शॉपिंग का सिलसिला चलेगा, फिर उसी तरह का वो सूट खरीदेंगे, फिर चप्पल भी उसी, उनकी जो सैंडल होगी वो भी उसी रंग की होगी, फिर उसके साथ वो नेल पॉलिश कौन सी, मतलब जितनी भी तरीके की आप एसेसरीज जोड़ सकते हैं किसी महिला के तैयार होने में, वो सारी चीज़ें आज रात भर उसकी दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरीके से जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो अपने लिए आमतौर पर चूंकि लखनऊ में चिकन की कारीगरी मशहूर है तो चिकन के जो कुर्ते हैं या शेरवानी है, मौसम के हिसाब से भी आदमियों का लिबास बदल जाता है, कई बार जब ठंड के समय पे ईद हो रही होती है तो उस समय का लिबास कुछ और, अब इस समय जैसे मानसून का मौसम है, उमस ज़्यादा है, तो कुर्ता पैजामा इस समय मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुफीद बैठेगा और लोग उसी तरफ अपना रुख करेंगे। लेकिन जो आप आधी स्क्रीन पर देख रहे हैं सिवैयां, ये कोई भी मौसम हो इनके ऊपर जाड़ा गर्मी बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता,
और ये इसी तरीके से मुंह को स्वाद देती हैं और जहां बहुत अच्छी सिवाइयां बनती हैं वो आत्मा तक चली जाती हैं। आसमान पर चांद के दीदार की अभी भी लोग हसरत रख रहे हैं। वैसे तो सबके पास अपने अपने चांद हैं, लेकिन इस बार ईद के मौके पर कुदरती चांद जिसे हम कहते हैं, इंतजार उसी का होता है, वो दिख जाए तो क्या बात है।